Hello students, good morning and Jai Hind to you all. Students, today in this video we shall solve exercise 1.6 class 9th maths. Students, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करेंगे. तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग 64 पावर 1 बाई 2, 32 पावर 1 बाई 5, 125 पावर 1 बाई 3. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये आप लोग समझ लीजिए. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, पावर मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होता है. फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों के पास 3 पावर 2 है तो 3 पावर 2 मीन्स 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 मीन्स 9. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब जो पावर्स हैं वो फ्रैक्शन में है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है ये हम लोग समझते हैं. फर्स्ट, 64 पावर 1 बाई 2. तो स्टूडेंट्स, 64 पावर 1 बाई 2 को सॉल्व करने के लिए हम लोग 64 का हाफ टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लार्ज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करेंगे. लार्ज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करने के लिए सबसे पहले 64 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे. 64 को अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो 230, 23 या 6, 22 या 4, 21 या 2, 26 या 12, 28 या 16, 24 या 8, 22 या 4, 21 या 2. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 64 को हम लोग राइट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 पावर 6. और 64 पावर 1 बाई 2 है तो 64 के प्लेस पे 2 पावर 6 और उसके भी पावर 1 बाई 2. अब यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम लोग यूज करेंगे. अगर पावर का पावर हो, मीन्स ए पावर एम उसके भी पावर एन हो, तो यहाँ पे पावर दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एम इंटू एन. तो यहाँ पे हम लोग 2 पावर 6 इंटू 1 बाई 2, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 2, 3 या 6, तो 2 पावर 3 बचता है. 2 पावर 3 मीन्स 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई मीन्स 8. तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. इसी तरीके से इसका सेकेंड क्वेश्चन भी समझ लेते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है 32 पावर 1 बाई 5. तो स्टूडेंट, सेम उसी प्रोसेस से हम लोग पहले 32 को फैक्टराइज करेंगे. 32 का फैक्टराइजेशन, यहाँ पे 2, 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5. 32 को हम लोग 2 पावर 5 राइट कर सकते हैं, इसका भी पावर 5. पावर का पावर हो तो दोनों पावर्स के मल्टीप्लाई, 5 इंटू 1 बाई 5, यहाँ 5 5 कैंसिल, 2 पावर 1 मीन्स आंसर होगा 2. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, आप लोग ये थर्ड क्वेश्चन इसको अपने से सॉल्व कर सकते हैं, इसी प्रोसेस से, सेम प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, जो हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन भी सेम फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है. फाइंड वैल्यूज ऑफ 9 पावर 3 बाई 2 एंड 32 पावर 2 बाई 5. तो इसको भी स्टूडेंट्स उसी सेम प्रोसेस से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. इसका भी सोल्यूशन इस तरीके से, फर्स्ट 9 पावर 3 बाई 2. तो स्टूडेंट्स, हम लोग 9 का फैक्टराइज करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. यहाँ पे हम लोग 9 को 3 पावर 2 राइट कर सकते हैं, 3 पावर 2 उसका भी पावर 3 बाई 2. तो यहाँ पे 3 पावर 2 उसके भी पावर 3 बाई 2 पावर हो तो दोनों पावर्स के मल्टीप्लाई, 3 पावर 2 इंटू 3 बाई 2, 2 2 कैंसिल, 3 पावर 3 इक्वल्स टू 3 3 जा 9, 3 जा 27. स्टूडेंट, सेम प्रोसेस से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं. 32 पावर 2 बाई 5, 32 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं. तो यहाँ पे 32 का फैक्टराइज करते हैं हम लोग, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. अब 32 को हम लोग राइट कर सकते हैं 2 पावर 5, इसका भी पावर 2 बाई 5. पावर का पावर मीन्स मल्टीप्लाई, 2 पावर 5 इंटू 2 बाई 5, 5 5 कैंसिल, 2 पावर 2 इक्वल्स टू 4. नाउ स्टूडेंट्स, जो थर्ड क्वेश्चन है हम लोगों का इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.6 में, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है. तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये आप लोग समझ लीजिए. स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है, 2 पावर 2 बाई 3 इंटू 2 पावर 1 बाई 5. स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर डॉट लगा है तो डॉट मीन्स मल्टीप्लाई होता है. तो स्टूडेंट्स, ये भी लार्ज ऑफ एक्सपोनेंट्स में आता है. अगर बेस सेम हो और दो नंबर्स का मल्टीप्लाई हो और बेस सेम हो तो दोनों के पावर्स को हम लोग ऐड कर देते हैं. तो ये जो है, ये है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में आता है इस तरीके से.
ए पावर एम इंटू ए पावर एन है तो ए पावर एम प्लस एन। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बेस सेम है तो दोनों के पावर्स को ऐड कर देंगे, 2 पावर 2 बाई 3 प्लस 1 बाई 5, दोनों पावर्स 2 बाई 3 और 1 बाई 5 को ऐड कर देते हैं। तो 2 पावर 5 और 3 का एलसीएम लेंगे 15, 10 प्लस 3 इक्वल्स टू 2 पावर 13 बाई 15। तो इस तरीके से ये हम लोगों का आंसर है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन 1 बाई 3 पावर 3, उसका भी पावर 7। तो स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है अगर फ्रैक्शन का कोई पावर है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का उस दोनों में उसको डिवाइड कर देते हैं। तो 1 पावर 7 बाई 3 पावर 3, उसका भी पावर 7। 1 पावर 7 मीन्स 1, 1 का कितना भी मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है। 3 पावर 3 उसके भी पावर 7, यानी कि 3 पावर 7 3 जा 21। तो इस तरीके से ये हम लोगों का सेकंड का आंसर है। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट पे। थर्ड का जो थर्ड थर्ड पार्ट है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का, ये भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में ही आता है। अगर बेस सेम है, बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट हो तो, और दोनों नंबर का डिवीजन हो तो पावर्स को माइनस कर देते हैं इस तरीके से। ए पावर एम हो और डिवाइडेड बाई ए पावर एन हो तो ए पावर एम माइनस एन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इस लॉ का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। 11 पावर 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 4, दोनों जो पावर्स एक्सपोनेंट्स हैं उन दोनों को माइनस करेंगे एलसीएम लेकर के। 11 पावर 2 और 4 का एलसीएम 4, यहाँ 2 माइनस 1, 11 पावर 2 माइनस 1 मीन्स 1 बाई 4। तो इस तरीके से हम लोगों का थर्ड का आंसर आ जाता है। सेवन जो थर्ड क्वेश्चन है उसके फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे 7 पावर 1 बाई 2 और 8 पावर 1 बाई 2, ये भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आता है। अगर बेस डिफरेंट हो और जो एक्सपोनेंट्स है यानी कि पावर वो सेम है तो दोनों बेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये लॉ आता है। जैसे ए पावर एम इंटू बी पावर एन हो तो ए बी सॉरी ए पावर एम इंटू बी पावर एम हो तो ए बी पावर एम, यहाँ पे हम लोग राइट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स इस लॉ का हम लोग यहाँ पे यूज करके 7 पावर 1 बाई 2 और 8 पावर 1 बाई 2 है तो दोनों बेस का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 7 8 जा 56, 56 पावर 1 बाई 2। इस तरीके से ये हम लोगों का आंसर हो जाता है। 1 बाई 2 को हम लोग रूट में भी राइट कर सकते हैं, तो 56 पावर 1 बाई 2 को √56 राइट कर सकते हैं। 56 को अगर फैक्टराइज करें तो आता है 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ रूट के अंदर जो नंबर्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं। तो 2 को हम लोग बाहर लेकर के 2 7 2 जा 14, 2 रूट 14 भी आंसर राइट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 2 उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।